गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सस्याकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार, और जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। यहाँ पे अभी ही मैंने बर्तनों को क्लीन करके रखा हुआ है, और अभी मैं आप लोग को बता दूँ, अभी मैं ढूंढ रही हूँ गैस का चूल्हा। अंदर का जो सिंक है वो थोड़ा बहुत तो चालू है, पर वापस से इसको ख़राब नहीं करना चाहती, तो जो भी थोड़े बहुत अंदर बर्तन क्लीन करती थी अब सारे बाहर करती हूँ। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी ये गैस का चूल्हा, जो कि बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे मिला है। और मेरी ये आदत सी है ना कि जब भी मैं काम करती हूँ, मतलब भी बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बढ़िया से हमारी क्लीन हो चुकी है। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, आज बहुत डरते डरते दिखा रही हूँ, क्या चीज़ दिखा रही हूँ वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। एक्चुअली आज मेरी इतनी खास इंसान से बात हुई है कि सच में बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, इनकी भी बात कराई। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाय, थोड़ी बहुत चाय रखी हुई थी, ज़्यादा देर की चाय नहीं है ये। एक्चुअली देखिए, इतना ज़्यादा मैंने इसको खौला दी थी कि उसी पे बैठ गई थी, तो मैंने हल्का सा पानी डाला, थोड़ा सा दूध डालूंगी और अपनी चाय पत्ती शक्कर डाल के बना लूँगी चाय। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊँ, अब से वो हो गया है बड़ा। कैसे ही? देखो, जब भी वो कैमरे के सामने देखेगा वो थोड़ी सी स्माइल करेगा, उसको पता है कुछ चीज़ चल रही है और मेरा फेस उस पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था, देवशिप का ना अभी वो मुंडन नहीं हुआ है, जब से वो हुआ है वो कहते हैं ना बाल पूरे वो हो जाते हैं, उसकी वजह से आप कहीं आ जा भी नहीं सकते हो। मुझे नहीं पता ये कब होता है कब नहीं, क्योंकि जो देव का हुआ था, तो देव का जब उसका बर्थडे आने वाला था उसके 1-2 महीने पहले कराया था, और शिव का मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कराते हैं या बाद में कराते हैं। जब हमने तब हुआ था ना शिव, तब तो नहीं कराया था, क्योंकि अब वो बड़ा भी हो रहा, बड़े में कराएंगे तो वो हिलेगा डुलेगा, तो हम सोचे अभी अभी कभी करा देते हैं। और ये देखो, जब भी वो कैमरे में देख रहा है थोड़ी सी मुस्कान लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा और साथ ही में पी रही थी चाय, फिर भी चाय एक म्यान से बैठ के नहीं पी पाई थी सच में। और यहाँ पे ये देखो, ये कहाँ घुस गया, ये ऐसे ही सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकत पूरी करता है। मैंने इसकी मालिश वगैरह करके इसको लेटा दिया था ताकि आराम से खेलता रहेगा, और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा देखती रहूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम 1000 बार टूटेंगे गिरेंगे, कहते हैं ना एक जब चींटी चढ़ती है और पहाड़ में चढ़ती, कहना चाहिए दीवार में, वो चढ़ती है अपनी मंजिल की और वो गिरती है, पर उसका एक लक्ष्य होता है, नहीं हमें ऊपर चढ़ना है चढ़ना है। और ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे किसी से आई है, आप लोग के कमेंट से भी आई है, पर्सनली मुझे इतने अच्छे से मेरे हस्बैंड को उन्होंने समझाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं यही चीज़ आप लोगों से बार बार कहती हूँ, हमें कोई ऐसा अपना चाहिए जो हमें राय बताए। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे हर चीज़ पूछ के ही करती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए बड़े समान हैं। और ये मैं उन्हीं से बात करा रही थी, तो यहाँ पे ना वो उनसे बात कर रहे थे, और मुझे माफ़ कर दीजिए जिनसे ही बात कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी क्लिप वो वॉइस लगाऊंगी मैं, तो आप समझ जाइएगा। तो हमने उनसे काफ़ी देर तक बात की, और माफ़ कर दीजिएगा आप कि हमने आपसे बिना पूछे ऐसे लगा दिया। और यहाँ पे बस मैं इनसे बातें कर रही थी, एक्चुअली ना वीडियो कॉल में बात कर रहे थे वो, और वो शायद कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के हैं, यही था, वहीं के थे। हमने आप लोगों को पहले ही बताया ना, वो काफ़ी अच्छी हैं और माँ के समान है मेरी सच में, तो हमारे बारे में हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचती ही हैं। निकल तो देखिए, ये हम इतने सारे सीताफल लेके आए, और ये ना मतलब कि ये हमें समझ लीजिए फिर ही मिले हैं, ये देखिए कितने सारे सीताफल, ये देखो ये ना वो हो चुके हैं, ये पक गया एकदम,
आज मेरा फास्ट है तो मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल दब के। ये देखो ये पक गया है, देख कैसे पक गया। ये सारी ये एक एक जगह से हम तोड़ के लेकर आए, मतलब उनसे पूछ के तोड़ के लेकर आए हैं। ये ना आपको पता है हमारे यहाँ कितने मिलते हैं। ये कैसे पक गए, कैसे पक गए, पन्नी में लखे लखे पक गए। ये भी ये पक ये भी पक गए, ये देखो। हाँ ये दो पक गए, ये दो ये देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है पका ही। ये अरे यार आप रख, ये तोड़ना नहीं है, ये नहीं तोड़ना। ये देखो ये भी पक गया, दिखाओ हम बता। ये देखो ये पक गया, ये दब रहा है। और ये आंखें खुलनी होती है, तेरे कितने सारे हैं। ये वैसे ना गांव में क्या होता है, चावल ये गेहूं के अंदर रख दो और भी जल्दी पक जाते हैं। जैसे केले हो गए, पपीते हो गए, कच्चे तोड़ लो। पर ये हम एक जन से आके पूछ के, उनके खूब सारे झाड़ लगे, कम 5-6 और भी ज़्यादा, तो हम देव को स्कूल से लेके आए थे तो उनसे पूछ के तोड़े हैं। हालांकि मैं एक ही दो खाऊंगी, बाकी रख ले रही हूँ। ये रख लेती हूँ, एक ये रख ले, नहीं ये रख लेती हूँ। अभी दिवाली है तो चढ़ाने के लिए हो जाएगा, है ना। उनके खूब सारे लगे थे और ये जब फलते हैं ना तो बहुत सारे लगते हैं। और भी आप लोग अलग अलग कंट्रीज से मेरे ब्लॉग देखते हैं, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतने दूर दूर से आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो ये न्यूजीलैंड वाली माजी हैं वो मुझे ना करीब जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था तब से ही हमें ये देख रही हैं। और जो भी हमें परेशानी होती है तो वो मतलब कहते हैं ना, एक जैसे माँ अपनी बेटी का दर्द बिना बोले समझ जाती है, वैसे ही वो भी मेरा दर्द ऐसे ही समझ जाती हैं। तो उनसे उन्होंने बात भी की और इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया और फिर बोला कि आपको उठना है, खुद पे भरोसा रखना है। और फिर उसके बाद मैंने भी इनको काफ़ी समझाया। पर कहते हैं ना कि जब हम उनसे कोई बड़ा हमको समझाता है तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो ऐसा ही हुआ है इनके साथ तो हुआ है। और मैंने बोला कि देखो हम टूटेंगे पर हारेंगे नहीं, कितने बार टूटेंगे। कहते हैं कि जब तक आपको भगवान गिरना नहीं सिखाता ना तो आप उठना भी नहीं सीखते। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, जब तक हम गिरते नहीं हैं ना जब तक हम सीखते भी नहीं, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है तो हमें अक्ल भी नहीं आती है। ठीक है अब तो, पर ना जब कभी कुछ ज़्यादा ही इनको प्रॉब्लम हो जाती तब मैं बहुत 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 ज़्यादा नर्वस फील करती हूँ, तो मैं उनको फ़ोन लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है फिर हमें उनसे बात करते हुए। सो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ना, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई उनसे मुझे बात करके। सो जो आधे अधूरे कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। आज ही मेरा फास्ट, तो मैं बनाऊंगी शंकर जी के बनाने के लिए पहले ही मिट्टी में ऐसे कर दे रही हूँ। और आप लोग कहेंगे आरती आप कितना फास्ट रहते हो, तो क्या बताऊँ। देखो मुझे चाय नहीं पी पाई थी ना, तो फिर बाद में थोड़ी बड़ी चाय रखी थी फिर मैंने पी, और मुझे ध्यान ही नहीं था कि चाय रखी हुई है मेरी। तो मैं चाय भी ना ऐसे ही पीती हूँ, यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा ये कर लूँ थोड़ा वो कर लूँ। और यहाँ पे मैं भाजी को धुल रही हूँ। एक्चुअली देव को बहुत पसंद है लाल भाजी, तो आज मैंने बेचारे को रोटी और सब्जी ही रखी थी। तो फिर मैंने कहा जब वो आएगा तो थोड़ी सी भाजी बाद में हम बना देंगे, थोड़ी पहले बना दी थी और थोड़ी हम बाद में बनाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी। माता दी राधे राधे, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। अभी देखो मेरी बिंदी गिर गई। एक्चुअली क्या है कि देव है ना मेरी बिंदी को ऐसे अलग कर देता है बार बार। और अभी आज है सोमवार, तो अभी मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी, भगवान जी की पूजा की तैयारी करूंगी। वैसे तो नहा सुबह ली थी, पर इसकी मालिश करना होता है, खाना बनाना होता है, बर्तन धुलना होता है, तो मुझे लगता है पूजा पाठ करूँ ना तो थोड़ा सा मुँह धुल के कपड़े चेंज कर लूँ, नहाऊँ धोऊँ ना कपड़े चेंज कर लूँ। तो मेहंदी देखो अब मेरी रची नहीं थी इस बार की, पता नहीं क्यों नहीं रची थी। चलिए और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, आगे भी हमारा ब्लॉग कंटिन्यू चालू रहेगा। पर हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलेंगे, तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा। यहाँ पे वैसे तो कुछ खाते नहीं है सोमवार का, और मैं बता दूँ ये 16 सोमवार जो रहते हैं ना वो 16 ही रहते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। अगर आप किसी कारण नहीं रह पा रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको फास्ट रहना पड़ता है। पर मैं पूजा मुझे ठीक लगा, और शिव की देखो पूरी उसकी निगाहें केले पे थी, आप देख सकते हैं पूरी की पारी वो केले को ही देख रहा था।
क्योंकि मैं शिव को खिलाती हूँ केला और दूध मिक्सी में पीस के उसको खिलाती हूँ, तो उसको बहुत अच्छे से पता है, उसको लग रहा था कब मुझे मम्मी केला दे और कब मैं खाऊं, पर मैं उसको नहीं दूंगी, अभी उसको थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है। ये उल्टे सॉक्स हैं जो आपने पहने हैं, सीधे सॉक्स पहनो। सीधे सॉक्स कौन है? नहीं नहीं उल्टे हैं, देखो कितने गंदे वाले पहन, दूसरे पहनो, पहन लो। अच्छा पहन लो जूता, पहन लो। कहाँ जा रहा है? नहीं तो जूते पहन के दोपहर को, पागल जब घूमते हैं तब पहनते, चप्पल पहन लो स्लीपर्स। और इस पे नहीं लगेगा? हाँ। और मेरी तब्बू खराब है, मेरे को आपने बोला था मम्मी मैं तेल लगा दूंगा आपको, फिर कहाँ से? अभी तो दुख रहा है मेरे पैर। और देखो सुब्बू कैसे देख रहा है आपको। मैं आपका दिमाग खराब कर रही। चलो ओके बाय गाइस, कर लो बाय गाइस। अच्छा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बोल दो यार, अच्छे से बोलो ना। ये कैसे टूटा है? पहले मैं पहले तो कुछ ही नहीं है। पहले बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मेरी कमर दुख रही है, ऐसा लग रहा है कोई अच्छी मसाज कर दे, कि शिफ्ट के टाइम भी मेरी इतनी अच्छी सी मसाज नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, हम खुद ही अपने हाथों से कर लेंगे, पर थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा तब, और हम पूजा पाठ कर ले उसके बाद फिर आप लोगों से जल्दी मिलते हैं, है ना। अब आप लोग सोचेंगे आरती हमेशा पूजा बहुत उपास रहती है, एक्चुअली जो 16 सोमवार मेरा उपास स्टार्ट हुआ था वो जुलाई से मैंने किया था, उस समय तो मुझे पूरे 8 मिल गए थे, पर अभी मेरे कुछ बीच में छूट गए, क्योंकि मैंने आपको पता जो मेरी मंथली प्रॉब्लम थी वो मेरे महीने भर थी, बट अभी ठीक हूँ मैं, तो मैंने कहा जितने भी मुझे मंडे मिलते जा रहे हैं मैं कोई भी मंडे नहीं छोड़ूंगी, अभी आज ही मेरा 12वां सोमवार है, 16 सोमवार, और इसमें मीठा कुछ नहीं लेते, और अभी बज रहा है 3। और हाँ काफी लोग पुराने ब्लॉग में पूछ रहे थे आरती आप इतने लेट पूजा क्यों करते हो, तो जो ये पूजा तो यहाँ पे मैं चेंज वेंज करके मुंह धुल के और फिर मैं अपना बनाऊंगी प्रसाद। आप लोगों को शायद मेरी वॉइस समझ में नहीं आती इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ पे 6 पूजे बनाए जाते हैं प्रॉपर, मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया फिर और भी लेट हो जाता मुझे, और दिन अब होने लगे हैं छोटे, तो यहाँ पे आज मेरा 13-16 सोमवार था, इसमें नमक वगैरह नहीं खाते हैं, 2 बजे के बाद ही पूजा होती है, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, और ठीक है अभी 3 बजे हैं कि 4 3 बजे ना 3 बजे हैं, तो ये 16 सोमवार ही मनोकामना वाली होती है। और मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग कहेंगे कि आरती आप इतना फास्ट मत रखा करो, एक्चुअली आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, पर मेरा दिल नहीं मानता, मुझे लगता है कि शायद मेरे कष्ट थोड़े से कम होंगे अगर मैं ये चीज़ करूँगी, थोड़े से मेरे जो दुख हैं वो तकलीफ़ें कम होंगी अगर मैं फास्ट रखूँगी, ये मेरे अंदर के विचार हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं ना। और अगर आप लोगों को किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा, है ना, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसा कुछ शायद मुंह से निकाल देती होगी जो कि मुझे पता नहीं रहता है। सच में जब आप लोगों से बातें करती हूँ ना, कहते हैं ना दिल की बातें करते, देखिए आप लोग को मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही कौन सी बात बुरी लग रही ये मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं अगर आपका कभी दिल दुखाया हो या तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। और अगर कहते हैं ना मुझे ना गलतियाँ पता कब रियलाइज होती है, जब मेरे से वो गलती हो जाती है, हालांकि ब्लॉग में मैं ऐसा किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी अपनी ओर से मेरी पूरी कोशिश है। अच्छा नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ और इस टाइम मैंने नमक नहीं खाया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से नमक मिल जाए। तो यहाँ पे अभी कितने बजे होंगे, देव को छोड़ने जाना है, हवा पूरी ना अंदर को जा रही थी तो मैंने कहा कि उसको मैंने तैयार कर दिया था, मैंने कहा झाड़ू उस लगा लूँ बाबू, क्योंकि बच्चे को छोड़ के आऊँ फिर तुरंत कहते हैं कि कोई हमारे घर से जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो फिर मैंने कहा बाबू बाहर झाड़ू लगा दो उसके बाद आपको चलूंगी छोड़ने। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ आप ही हमारी हिम्मत हो, मैं हिम्मत नहीं हूँ आप मेरी हिम्मत हो, हमें टूटने मत देना, हमें गिरने मत देना, क्योंकि मैं सच में रियली मैं बहुत 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 अकेली हूँ,
और जिनसे आप लोगों को अभी बात कराई है ना मैंने, जिसने इनसे हम लोगों ने बातें की, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे आप लोगों से ही बातें करके बहुत अच्छा लगता है कि आप तक मेरी मन की बात, दिल की बात पहुंच रही। आप मुझे अपनी बेटी के समान ही मानते हैं कि आप बेटी इतना ज़्यादा परेशान मत हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि आप मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, आप वो चीज़ों को जानते हैं। वरना मुझे पता है कि ऐसे ही आप मुझे नई दिलासा नहीं देते हैं, आप मुझे दिल से दुआएं देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी पॉजिटिव एनर्जी से मैं आगे भी चलने चलूंगी, है ना। क्योंकि अब आ रही है दिवाली। अच्छा खैर छोड़िएगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या खरीदा, दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी। हाँ एक और कमेंट्स मुझे आ रहा था, आरती आपने डबल बेड पलंग लिया नहीं लिया, तो उसके लिए अभी मेरा कोई विचार तो हुआ है मेरा, मैं जाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं इनकी आज मेडिसिन मंगा दूँ, क्योंकि अगर मैं पता करने भी गई ना तो फिर से ये चिल्लाने वाले हैं आरती मेरी दवाई नहीं आई उनको, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा रियल में मुझे इतनी टेंशन होती है उनकी, पर उनको ऐसा लगता है नहीं, उनकी मुझे उनकी चिंता ही नहीं है। सबसे पहले इनकी मेडिसिन मैंने कल ऑर्डर कर दी थी और आज शायद आ जाएगी, उसका पेमेंट कर दूं और वो आ जाए, मेडिसिन घर में आ जाए इनकी 1 महीने 15 दिन की, जितने दिन की मंगाई है। और फिर उसके बाद निश्चिंत से जाऊंगी पलंग देखने क्या होता है कैसा होता है, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे इंडक्शन ये जो अब मैं निकाल के रख रही हूँ, अच्छा आप लोगों को बताया था ना पिछली वीडियो में, तो इंडक्शन पता अभी नया है, मैंने इनके ही इससे लिया था कि इनको क्या रहेगा, सहूलियत रहेगी। जैसे हम गैस में पानी गर्म करते हैं, एक्चुअली जो हम आरओ का पानी इनको देते हैं उसका TCR गिर जाता है, उसकी वजह से कभी कभी इनका क्रिएटिनिन प्रोटीन हाई हो जाता है। ये चीज़ डॉक्टर ने हमें नहीं बताई थी, ये चीज़ जो इनके ग्रुप वाले हैं ना, तो वो बोल रहे थे कि हम आरओ का पानी पीते थे, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, तो अब हम बॉयल पानी पीते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हकीकत है, बॉयल पानी पीने से काफ़ी राहत मिलती है और आरओ में TCR बहुत कम हो जाता है, गिर जाता है। हमारे वो पानी नापने वाला मशीन भी है ना, उससे हमने खुद देखा, तो इसलिए तो यहाँ पे इसमें गर्म करते थे और ये हो चुका है अब खराब, मतलब कि अपने आप ऐसे फट्टे से आवाज आई और अब चल ही नहीं रहा है। होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चला के बताऊंगी। नया है एकदम और इसका वारंटी भी 1 ईयर का है, पर उनको पता ही नहीं कि हम कैसे कांटेक्ट करें, समझ में ही नहीं आ रहा। सो अब मैं इसको कर दूंगी पैक, अब देखेंगे जब सुधार पाए तो सुधार पाए। और मैं इनको यही बोल रही थी कि क्या करना चाहिए, अब मैं गैस में ही गर्म कर दूँ, तो बोले हाँ उसी में कर देना, पर मैं आरओ का नहीं पीऊँगा, उसी का पीऊँगा। और अभी मुश्किल से वो उठकर बैठे थे, ये देखो। मैं इनसे बाकी ये भी बोलती हूँ कि आप और शिव के देव के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो, आपको अच्छा लगेगा। पर ठीक है, जितना वो कहना मानते हो उतना ही बहुत है। और आज का साथ ही करते हैं हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फिर से कहूँगी चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना, अगर आप हमारा बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए बाय बाय, आप भी बहुत ख्याल।